कहते हैं कि सृजनात्मकता जीवन को आसान बना देती है। हे गाइस, मैं हूं वैशाली, आप देख रहे हैं वैशाली सौरा इन वर्क। हाँ, औरा, हम सबका औरा होता है जो कुछ ना कुछ काम तो करता ही है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो हमारे औरा को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सृजनात्मक काम करते रहना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। जब भी हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाए तो कुछ सृजनात्मक काम करने लगे तो खुद ब खुद हमारा औरा वो भी असृजनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। आज मैं बना रही हूँ ब्लाउज। ये ब्लाउज मैंने कब से कटिंग करके रखा हुआ था, शायद एक आध महीना हो गया, मगर दूसरे कई काम आ गए जो सारे करते करते ये ब्लाउज तो स्टिच करना रह गया। बताओ, मुझे ब्लाउज कटिंग करना नहीं आता। पता नहीं क्यों, मैं टॉप कटिंग कर लेती हूँ, कुर्ता कटिंग कर लेती हूँ, मगर ब्लाउज मुझे कटिंग करना नहीं आता। ये सारे कटिंग है वो मेरे मम्मी के पास से मैंने कटिंग करवा ली है। मेरे नाप के कटोरी वाले जो ब्लाउज होते हैं उसका मेरे मम्मी के पास से कटिंग करवा लिया है, और ये अभी मैं जो स्टिच कर रही हूँ ना, ये ब्लाउज प्रिंसेस कट है, ये मैंने किसी और के पास से लिया है। मैंने जिसके पास से ये कटिंग लिया है वो भी बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं, तो मैंने ये कटिंग ले रखा है और उससे ही कटिंग कर लेती हूँ। हाँ, मगर जो नेक का कटिंग होता है वो मुझे अच्छे से आता है, वो जो भी डिजाइन करनी हो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, पता नहीं क्यों मगर ये कटिंग नहीं सीखी मैं। मगर अब ये जब ब्लाउज स्टिच हो जाएगा तो मेरी जो साड़ी ली हुई है कई महीनों से वो अब पहन सकती हूँ। हाँ, जब मैं ये पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो मैं ये बात कर रही थी कि हमें कुछ सृजनात्मक करना चाहिए। आपको लगेगा कि मैं अध्यापिका हूँ और ये क्या टीचिंग कर रही हूँ, मगर ऐसा नहीं होता है। मैं मानती हूँ कि कोई भी काम बुरा नहीं होता है, और पर्सनली जो भी ऐसे क्रिएटिव काम होते हैं वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे हमेशा से कुछ नया सीखने का शौक रहा है, शायद इसीलिए मैं ये व्लॉग भी कर रही हूँ। मैंने ये जब स्टिचिंग सीखी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वैसे थोड़ी बहुत स्टिचिंग तो मैं बहुत छोटी सी थी और मेरी मम्मी घर में करती थी तभी उसी से सीख ली थी, पर एक समय ऐसा आया मेरे लाइफ में कि जब मुझे स्टिचिंग के सृजनात्मक काम ने इकोनॉमिकली और मेंटली दोनों तरह से मेरा बहुत सपोर्ट किया है, सो मैं ये स्टिचिंग के काम से बहुत ज्यादा मुझे लगाव है। वैसे कई लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि इतना अच्छा काम कर लेती हो स्टिचिंग में तो क्यों ना इसे व्यवसाय बना लो। हाँ, व्यवसाय मैंने किया भी था एक समय पर, और जब मेरी ये जॉब लगी तब मुझे लगा कि ये भी मेरा ड्रीम जॉब था कि मैं एक प्रोफेसर ऐसे अध्यापक काम करूं, तो मुझे उसमें भी बहुत आनंद आता है कि बच्चों के साथ काम करें आप, और ये भी मेरा शौक है। तो ये शौक मैं ऐसे पूरा करती हूँ कि मैं अपने कपड़े जो भी स्टिच करने होते हैं वो अपने हाथों से करती हूँ। वैसे मेरे कई सारे शौक है वो आप आगे आगे देखेंगे। मेरे स्टूडेंट्स को भी हमेशा कहती रहती हूँ कि सिर्फ डिग्री या सिर्फ एक हुनर वो नहीं होना चाहिए लाइफ में, लाइफ में दोनों रखने चाहिए। कोई एक ऐसा क्रिएटिव वर्क भी आना चाहिए और कोई डिग्री भी होनी चाहिए। जब हमें जरूरत पड़े जिंदगी में तो हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, इसके लिए दोनों काम जरूरी है, वो मैं अपने जीवन के अनुभव से कहती हूँ। तो
चलिए ये बात तो करते रहेंगे हम। अभी आगे देखते हैं मैं क्या करती हूँ। अभी ये देखिए, मैं जो स्लीव होती है ब्लाउज की वो बना रही हूँ। देखिए ये फ्रंट का पार्ट है, और अभी इसमें मैं इसके साइड की प्लेट जो होती है वो लगाऊंगी। वैसे ये प्रिंसेस कट अभी बहुत ही फैशन में है, और पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, तो मुझे ये स्टाइल बहुत पसंद है ब्लाउज में। अब देखो ये मैं यहाँ से ये साइड में लगा दूंगी। अब आगे देखते हैं कि मैं क्या करती अब ये हूँ। मेरा बेक का पार्ट है, जिसमें मैंने बीच में देखो राउंड नेक बनाया है, तो अब मैं ये स्टिच कर लूंगी। और देखते हैं कि ये ब्लाउज आखिर में मुझसे कैसा बनता है। कमेंट जरूर करना। वैसे मेरे हर स्टूडेंट्स को हमेशा से कहती ही रहती हूँ कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा आना ही चाहिए, तो मैं सिर्फ बोलने में नहीं मानती हूँ, मैं खुद ऐसा करती हूँ तभी कहती हूँ। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाउज कैसा बनता है मुझसे। अभी मैं आ गई हूँ मनन के पास। मनन पढ़ाई कर रहा है, अभी लास्ट एग्जाम बाकी है कल। हाँ मजा आ रहा है पढ़ाई का? वाह क्या दिल से पढ़ाई कर रहे हो यार। हाँ अब क्या प्लान है मनन? देखते हैं, चलिए मनन अब क्या करता है। अभी तो पढ़ाई हो रही है, मगर आपका नाश्ते का टाइम हो गया है। क्यों करोगे नाश्ता? चलो बनाओ फिर। अभी मनन को भूख लगी है, डिनर को अभी देर है, तो वो सारे बच्चों की प्रिय मैगी बना रहा है। हाय मनन, पढ़ते पढ़ते मैगी याद आ गई। मनन जब भी मैगी बनाता है कोई ना कोई नया एडिशन करता रहता है। देखो अभी सेजान सॉस डाल रहा है और ये चीज रखी है। मनन ये कौन सी चीज है? मोज़रेला। मोज़रेला चीज। देखो पिज्जा में डालने वाली चीज, ये मैगी में डाल रहा है। चलिए अब इसमें जाएगी मैगी। अब क्या करेगा? पकने दो, क्या करना है? पकने दो। अच्छा पकने दो, क्या बोलता है? अब क्या हम एग्जाम हो तब मैगी खाएं तो कोई पावर आ जाता है? बोलो। मुझे लगता है शायद ये हर घर की कहानी है। ये आपकी मैगी का आज का कौन सा फ्लेवर है? शेजवान चीज। सेजवान चीज। देखो पलटती भी नहीं है ठीक से, लाओ मैं पलटा दूं। आह बढ़िया खुशबू आ रही है ना? मलाई किसने? हाँ बनाई किसने? देखो ये हमारा मास्टर शेफ है। तो शेफ भी नहीं हूँ, मास्टर शेफ क्या? क्या हो? मैगी बनानी आती अच्छा
अभी मास्टर शेफ शुरुआत कर रहा है मैगी से। मैगी तो सबको बनानी आती है। तो आप मैगी शेफ हो? नहीं, मैगी ने आजकल सबको शेफ बना दिया है, है ना? आपके जैसा। चलो चलो, मनन का मैगी कार्यक्रम शुरू हो गया। कैसी बनी है मनन? सेजवान चीज और क्या मसाले डाले? एडिशनल जो हमारे घर के रोज के होते हैं वो सारे में हल्दी, नाम नहीं पता मेरे को, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सब डाल रहे थे। नाम मेरे को नहीं पता। तो फिर भी डाल दिए? मैंने देखे ये कलर। और तुमने नमक भी डाला? वैसे तुम्हें हर चीज में नमक ज्यादा ही चाहिए ना। वैसे भी ये चीज थी ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा लगता है। चीज में नहीं था? मोज़रेला में नहीं होता है? ओके, चलिए, मनन का मैगी कार्यक्रम हो रहा है। टेस्ट? नहीं, मुझे नहीं करना है ऐसा टेस्ट। तो देखते हैं, अभी ये मेरा ब्लाउज हो गया है। देखिए कैसा लगा, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.